हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीमिक्स के एक और सेशन में। 11th सेशन है आज प्रीमिक्स का एंड आपके लिए पांच या देखो शायद उससे ज्यादा सवाल भी मिल सकते हैं आपको, बोनस क्वेश्चन भी हो सकता है, तो डिस्कस करेंगे। और बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं, सभी का फायदा उठाते रहिए। धीरे धीरे लोगों का जो पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है एंड आपका जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो आप कॉमेंट्स करते हैं, करते रहिए। पेड कोर्सेज में भी लोगों का जो दिलचस्पी है वो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है बढ़ती जाती है, दैट इज ट्रू। ठीक है, अभी मेंस नजदीक आ रहा है तो ग्रेजुअली इन सभी जो पर्टिकुलर कोर्सेज का आप फायदा उठा सकते हैं, बहुत से लोग उठा रहे हैं, आप भी उठा सकते हैं। तो जेन्युइनली बात सिर्फ यही है कि आपको अच्छे और अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज देने की ट्राई है ताकि आप अपनी मेहनत का थोड़ा फल जो आपको पाए। एंड ठीक है, एंड प्रीलिम्स के लिए भी एक टेस्ट सीरीज है विद इन विदाउट वीडियो सॉल्यूशंस। चलो आगे प्रोसीड करते हैं, पहला सवाल डिस्कस करते हैं आज। यहां पर पहला सवाल है आपके लिए, आपने बताना है इसमें से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। पहला, जो किगाली अग्रीमेंट है, किगाली अग्रीमेंट 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड करता है टू नाउ इंक्लूड गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए थी ये आपको बताना चाहिए, और किगाली अग्रीमेंट क्या मॉन्ट्रियल को अमेंड करता है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग की गैसेज शामिल हो जाती हैं, देखते हैं। एंड देन बाइंडिंग है ये कंट्रीज पर 2020 से, ये इसमें प्रोविजंस है पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगी आपको। एंड देन उसके बाद जितने भी जो कंट्रीज हैं, जो सिग्नेटरी होंगे, जो साइन करेंगे इसको, इनको तीन ग्रुप्स में बांटा गया है जिनकी डिफरेंट टाइमलाइंस हैं कि उनको जो HFCs हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, उनको कैसे ग्रेजुअली रिड्यूस करना है। तो आपने बताना है इसमें से एक स्टेटमेंट कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो मुश्किल सवाल नहीं है। किगाली अग्रीमेंट पर हमारा एक वीडियो बना हुआ है, किगाली आपको आना चाहिए, अगर आप मेंस दे रहे हैं तो भी आपको आना चाहिए। किगाली कैन बी आस्क्ड इन GS3 एनवायरनमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर इज ये 2020 से नहीं, थोड़ा वियर्ड सा एक साल है 2019 से एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसलिए याद भी बच्चों का रहता है, अब आपको भी याद रहेगा। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर ये इंप्रूवमेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी तक का बेस्ट प्रोटोकॉल माना गया है जिसको बहुत ज्यादा कंट्रीज ने सीरियसली लिया। एंड जितना भी जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे थे, जितनी भी चीजें, तो बहुत सी और बातें जो मैम ने आपको समझाई है वहां पर, आप एक बार समझ सकते हैं। किगाली एग्रीमेंट का वीडियो देखिए, बहुत ही रैपिडली सभी कुछ कवर हो जाता है उसमें। किगाली एग्रीमेंट वाले वीडियो में सर्च कीजिएगा बस, लिटी क्लासेस किगाली एग्रीमेंट आपको मिल जाएगा। HFCs क्या होते हैं, HFCs रिडक्शन की बात क्या हो रही है, एंड पहले CFCs थे, CFC HFC में क्या फर्क है, सब वहां पर डिस्कशन हो जाएगी। एंड जो कंट्रीज की टाइप है वो भी डिस्कस हो जाएगी। अगला नेक्स्ट सवाल है हमारे पास नेशनल वाटरवेज से जुड़ा हुआ, आपने बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच है स्टेट विद नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। ओके, पहला नेशनल वाटरवे 1 यूपी बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल, देन 2 इज असम, 3 इज केरला एंड 4 इज ओडिशा वेस्ट बंगाल। इसमें से एक इनकरेक्टली मैच है, आपको बताना चाहिए कौन सा। वाटरवेज हमारे देश में अभी देखें तो 6 इंपॉर्टेंट थे, लेकिन उसमें बहुत और भी ऐड हो गए थे। तो जो एक वाटरवे बिल आया था उस पर सवाल पूछा जा चुका है, छोटा सा एक सवाल लेकिन मेन से पूछा जा चुका है। तो लेकिन आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू पे तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे रोड आपको बहुत से हाईवेज मैच करवाए हैं यूपीएससी ने कि ये हाईवे कहां से कहां निकलता है, क्योंकि ये पार्ट है, हमें पता होना चाहिए ह्यूमन ज्योग्राफी का। ठीक है, तो इसका आंसर मार्क कीजिए यहां पर, अगर आपको यहां पर थोड़ा सा भी अगर कुछ याद है, अगर नहीं याद तो आंसर देखकर अकॉर्डिंगली स्टार्ट मेमोराइजिंग। ठीक है, एक बार देखना शुरू कर देंगे, ग्रेजुअली विद टाइम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नेशनल वाटरवे 4 ओडिशा वेस्ट बंगाल नहीं है, ये आंध्रा के आसपास काकीनाडा से निकलता है, काकीनाडा केनाल से। तो देखो ये मैप भी लगा दिया आपके लिए, जो नेशनल वाटरवे 1 देख लीजिए कहां से निकलता है, बहुत ही पुराना है ये। एंड देन सेकंड, एंड देन उसके बाद थर्ड, देन ये रहा आपका फोर्थ। ठीक है, ये भूलना नहीं है जिसकी बात की थी हमने। देन 5 जो है बिहार एंड वेस्ट बंगाल से गुजरता हुआ। ओके, देन अपने पास अगला सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल, सौभाग्य स्कीम रिसेंटली कवर भी हुई है एंड वैसे भी आपको पता होती है, बार बार PIB वगैरह में भी आती रहती है सौभाग्य स्कीम। तो इस पर आप बताइए कि इसमें से एक स्टेटमेंट है जो सौभाग्य स्कीम के बारे में ट्रू है। पहला, ये इंटीग्रेटेड सपोर्ट और असिस्टेंस देना चाहती है सौभाग्य स्कीम टू विमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस, जो इन पर वायलेंस हुई चाहे प्राइवेट या पब्लिक स्पेसेस में एंड चाहे और विद इन द फैमिली कम्युनिटी एंड एट वर्क प्लेस। ठीक है, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सौभाग्य स्कीम विमेन जो जिनके खिलाफ वायलेंस हुआ। दूसरा, ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड करना चाहता है एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर में। तीसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना चाहता है 4 करोड़ फैमिलीज को रूरल अर्बन इलाकों में दिसंबर 2018 तक। एंड उसके बाद आखिरी ऑप्शन है, इंटीग्रेटेड सपोर्ट मिलेगा एंड असिस्टेंस टू विमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस एंड आखिरी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। इसमें से कुछ भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए कि कौन सी स्कीम, कौन सी बात सौभाग्य स्कीम के बारे में यहां लिखी हुई सच है।
ठीक है, एंड इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये वाला आपको सौभाग्य जो सहज जो बिजली हर घर योजना जिसकी बात हो रही है, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को एक्सटेंड कर दिया गया, अर्बन इलाके भी शामिल हैं, दिसंबर 2018 तक यहाँ बात की गई है कि हर एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी देंगे जिसके घर तक, हर एक घर तक बिजली पहुंचानी है। ठीक है, हर घर बिजली योजना है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, देन अपना चौथा सवाल देखते हैं आज, ये है अबाउट इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटीग्राफी। इसके बारे में आपको बता रहा है कि कौन सी यहां पर दी हुई बात सही है। पहला, ये लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट साइंटिफिक बॉडी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज में। ठीक है, जो ये लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट साइंटिफिक बॉडी IUGS की। उसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रिसाइजली डिफाइन करना ग्लोबल यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रोनोस्टेटिग्राफिक चार्ट। ऑल राइट, ये क्या होता है देखते हैं कि क्रोनो का मतलब, वैसे क्रोनो का मतलब होता है वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली बोलते हैं जब हम कि, और कैसे कैसे स्ट्रेटी जैसे होता है ना, लेयर्स आती जाती हैं, जैसे जमीन के अंदर अगर खुदाई करें तो जमीन के अंदर खुदाई करते हैं, लेयर्स आती रहती हैं, वेरियस लेयर, उसको बोलते हैं, उसकी पढ़ाई को बोलते हैं स्ट्रेटिग्राफी। एंड देन ये इसकी तीसरी ऑप्शन है इंटरनेशनल जो क्रोनोस्टेटिग्राफिक चार्ट है, ये डायग्राम है जो बताता है आपको कि वेरियस एजेस क्या हैं अर्थ की हिस्ट्री में। ठीक है, आपने बताना है इसमें से कौन सी बातें ट्रू हैं। ICS अभी न्यूज में था बहुत ज्यादा, UPSC का आए दिन ही ये स्टैंडर्ड तरीका है, जो चीज न्यूज में होती है वो ना पूछ के उसको थोड़ा पीछे वाली चीज पूछते हैं, तो ये थोड़ा वो पीछे वाली चीज ही है। तो अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर मार्क कीजिए, एंड इसका करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यहां पर सभी की सभी बातें सही हैं। देखो, अभी आपको, आपने सुना होगा ना, मेघालयन एज बहुत ही फेमस हो गई, अखबार में आपने पढ़ा होगा कि अभी आप जैसे अगर हम एज जो अर्थ की एज देखते हैं, अर्थ की किस तरह से उम्र बीतती गई, तो अभी हम होलोसीन को पार कर रहे हैं। होलोसीन में पिछले 4200 सालों में 4200 ईयर्स में मेघालयन एज की अभी माना गया शुरुआत हुई, जब एकदम से लार्ज स्केल ड्रॉट्स आए थे, एंड जैसे माना गया कि बहुत सारे सिविलाइजेशंस इंक्लूडिंग इंडिया में भी सिविलाइजेशंस ये लुप्त हुई। एंड जो ये इसके सभी के निशान कहाँ मिलते हैं, मेघालय में केव्स हैं, मेघालय की जो केव्स हैं वहाँ पर, केव्स में जो लाइमस्टोन के जो लगे हुए बहुत से पहाड़, उनमें पता लगती है कि ये बहुत से अर्थ में बदलाव हुए थे, वहाँ कैप्चर्ड है उन पहाड़ों में, उन पत्थरों में कैप्चर्ड है। तो इसीलिए उसी को ऑनर करते हुए मेघालयन एज इसको अभी घोषित किया गया है। ठीक है, जो हमारे अभी जिस पर्टिकुलर एज से अभी अर्थ गुजर रही है। ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो ये किसने घोषित किया था, ये ICS ने, इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी, जिसके पर आपको कुछ दो चार हमने सवाल भी पूछे और ये आपको चार्ट भी दिखाया। ठीक है, ओके, एक और सवाल। सुबह आपका लेक्चर था आज, उस लेक्चर पे बेसिस पर एक सवाल है और आपने बताना है कि BND 4201, मैंने बताया था आपको लेक्चर में सुबह, BND 4201 आपने बताना है इससे किस, इनमें से किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है। पहला, ये पहला ऐसे सक्सेसफुल टेस्ट है जो हाई पावर माइक्रोवेव मिसाइल बाय इंडिया, या फिर ये इंडिया का पहला होम ग्रोन हाई प्योरिटी गोल्ड रेफरेंस है, ये चाइना की लॉन्गेस्ट रेंज ICBM है जो 13,000 किलोमीटर जा सकती है, या फिर ये इंडिजेनसली डिजाइंड एंड बिल्ट एक फ्लोटिंग डॉक है। ठीक है, जो भारत ने बनाया। तो इसमें से क्या आंसर है BND 4201 का। सो आज सुबह का लेक्चर लगाना बहुत ही जरूरी था आप सभी के लिए, तभी ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। एंड बहुत सी बातें हैं, इको का लेक्चर है, इकोनॉमी का, इतनी सारी बातें कवर की है उसमें हमने ये जो द्रव्य की बात भी की थी, क्या था, गोल्ड रेफरेंस पॉइंट, कि किस तरह से गोल्ड, जब हमें पता करना होता कि कितना गोल्ड प्योर है कि नहीं, हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए, तो वो रेफरेंस पॉइंट के लिए जो बिल्कुल शुद्ध सोना आता है वो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता था पहले, अब हमने ये सोना हमने खुद भी अपने घर पर, अभी हमारे पास कैपेसिटी आ गई, कैपेबिलिटी आ गई, हम अपने घर पर इंडिया में वो उतना प्योर सोना रख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें भी बाकी अगर किसी ज्वेलर वगैरह को देना है तो हम उसको बता सकें ये प्योर सोना होता है, ये रेफरेंस होता है, इसी के साथ कंपेयर करो आप। ठीक है, तो ये गोल्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड है। ओके, एक और बोनस क्वेश्चन भी देख लेते हैं चलो फटाफट से। ये भी इको का ही सवाल है, लेकिन 2013 में आया था ये, और बहुत ही सरल सवाल है, और आपने जो प्रीवियस लेक्चर लगाए होंगे उसके थ्रू अगर आपने कवर किया होगा तो आपको आता भी होगा ये, एंड अगर आता हो तो प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। ठीक है, तो पहला, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स, जिसने, डेटर कौन से होते हैं आपके, थोड़ा काम आसान करता हूं, जिसने उधार दिया होता है, ठीक है, उसको इन्फ्लेशन मदद करती है, उसको फायदा पहुंचाती है। दूसरा, इन्फ्लेशन फायदा पहुंचाती है बॉन्ड होल्डर्स को, जिन्होंने बॉन्ड होल्ड किए हुए, क्या होता है मैं अंत में बताऊंगा आपको। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, 1, 2, both या none of these, तो यहां पर मार्क कीजिए अपना आंसर।
एंड इसका करेक्ट आंसर इज वन ओनली, जिसने उधार दिया होता है सिर्फ उसी का ही काम आसान करती है, बॉन्ड होल्डर सॉरी जिसने उधार लिया होता है, डेटर्स आर जिसने उधार लिया हुआ है ठीक है, तो उसका काम आसान करती है, जिसने उधार दिया हुआ है उसका थोड़ा काम दिक्कत हो जाते हैं इन्फ्लेशन के चलते, उसके रिटर्न्स घट जाते हैं ठीक है। जैसे हमने इसका हमने वैसे अपने लेक्चर में कवर भी किया, मैं फटाफट रिपीट करता हूँ यहाँ पर, जो लेट्स से अगर आपने 100 रुपये किसी को उधार दिए ठीक है, उसने बोला कि मैं आपको दूंगा 10% इंटरेस्ट वापस ठीक है, आपको वापस कितना मिला लेट्स से 1 साल बाद 110 मिलना था वापस ठीक है जी, 110 वापस मिल गया ओके। पैरेलली आप आज आप गए थे 1 किलो घी खरीदने जिसकी कीमत थी 100 रुपये ठीक है, आज के हिसाब से आप अगर 1 किलो घी जो कि 100 रुपये का मिलता है आप 1 किलो घी खरीद सकते हो ठीक है ओके। लेट्स से 1 साल बाद घी की कीमत हो गई 120, मतलब कि 20% उसमें इन्फ्लेशन आ गया 120 kg। आज आपको देखो आपके जेब में कितने हैं 110 रुपये हैं, 1 साल बीत गया तो 110 रुपये हैं, लेकिन घी की कीमत हो चुकी है 120। आज आप 1 किलो घी खरीद नहीं सकते, तो 0.9 something kg आप घी खरीद पाओगे, दैट मींस बॉन्ड होल्डर्स मतलब जिसने इन्वेस्ट किया था उसको जो रिटर्न वापस आया इन्फ्लेशन उसमें से कुछ खा गई है ना, इन्फ्लेशन ने उसके जो बंदे के 1 किलो घी को 900 ग्राम घी में कन्वर्ट कर दिया, इन्फ्लेशन खा गई उसको। तो ये ऐसे बहुत से हमने और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस भी किया हुआ हमारे इको कलेक्शन में, फ्री पढ़े हैं उसको, तभी मैं बोलता हूँ बार बार फ्री रिसोर्स अपार फ्री क्लासेस डाली हैं हमने एंड पूरा का पूरा जीएस कवर कर रहे हैं, अभी तक हमें नहीं पता किसी और ने कवर किया कि नहीं, हमने हम सिंपल सा एक हमने टारगेट लिया हुआ है, हर रोज लेक्चर डालते रहेंगे, आपको पोस्ट करते रहेंगे एंड रिजल्ट्स मिलेंगे ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा थोड़ा सा अटेम्प्ट था आपको पोस्ट करने का, और वक्त की रिस्पेक्ट करो तभी ही वक्त भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा ठीक है, बड़ा ही म्यूचुअल है, आप वक्त की रिस्पेक्ट करोगे वक्त आपकी रिस्पेक्ट करेगा, एंड विद टाइम यू विल बी द किंग ठीक है दोस्तों। मिलेंगे बहुत ही जल्द अपने अगले प्रीमिक्स के साथ, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, बाय बाय, गुड नाइट।